सुपरस्टार्स दैट कैन बी नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट कर दिया आज अपनी वीडियो। दोस्तों स्वागत है, आपने लॉग इन किया है रेसलिंग बीट चैनल, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? दोस्तों आप जानते हैं ब्रॉक लेसनर जैसल में 34 के बाद WWE में नहीं दिखाई देंगे क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा भी लेते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं बढ़ाएंगे, मीन्स कुछ टाइम बाद ब्रॉक लेसनर WWE नहीं दिखाई देंगे। अगर एग्जाम्पल है जॉन सेना, दैट मीन्स WWE जानती थी कि जॉन सेना ही रहने वाले WWE में, तो इसलिए उन्होंने रोमन रेंस को जॉन सेना की डेवलपमेंट में लगा दिया। तो ऐसे अगर ब्रॉक लेसनर जाएंगे तो उनकी एब्सेंस में कुछ चाहिए, तो ये सुपरस्टार्स वो हो सकते हैं। नंबर वन पे है ब्रॉन स्ट्रोमन, एंड वाई नॉट ब्रॉन स्ट्रोमन? जिस तरह WWE ने रिस्क लिया है ब्रॉन स्ट्रोमन को वाइट पेन में से निकाल कर यहाँ पर इंडिविजुअल पुश देने के लिए और मॉन्स्टर बनाने के लिए, जब भी जानती थी कि यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है WWE के सिनेरियो में जो अब चल रहा है, तो वहाँ पे मॉन्स्टर मगमग बना के, तो उन्होंने कोई रिस्क यहाँ पे उन्होंने कोई गलती नहीं की है। अगर WWE चाहे तो यहाँ पर वो ब्रॉक लेसनर भी बना सकती है, बिल्कुल डोमिनेटर, बिल्कुल बीस्ट, कॉपी तो नहीं होगा, बिल्कुल टू द कॉपी तो नहीं होंगे ब्रॉन स्ट्रोमन, क्योंकि उनका भी अब जो गिमिक है वो सही है। लेकिन अगर वो रिस्क लेती है ब्रॉक लेसनर बनाने का, तो आई डोंट थिंक सो कि फैंस को कोई भी प्रॉब्लम होगी इस चीज़ से। तो देखते हैं क्या होता है। सेकंड पे आते हैं बॉबी लेसली, एंड वाई नॉट? आप जानते हैं कि बॉबी लेसली जब WWE में थे तो उन्होंने इतना सारा अचीवमेंट गेन नहीं किया, वो भी ठीक ठाक थे। लेकिन WWE से गए वो, उन्होंने TNA के चैंपियन थे वो, उन्होंने MMA में फाइटिंग भी की, और ऑब्वियसली वो फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट के सोल्जर भी रह चुके हैं। तो कहने के WWE में आते हैं, और वैसे भी रूमर्स भी आ रहे हैं कि उनकी फ्यूड स्टार्ट होगी रेसलमैनिया 34 के बाद ब्रॉक लेसनर से। तो कहने के फैंस बिल्कुल चाहेंगे कि बॉबी लेसली ब्रॉक लेसनर बने, क्योंकि स्पेशली वो MMA के फाइटर हैं जो ब्रॉक लेसनर भी थे, उनका फिजिक बिल्कुल ब्रॉक लेसनर जैसा है, और वो भी कहीं ना कहीं उनके जो रेसलिंग स्किल्स है वो भी बिल्कुल ब्रॉक लेसनर जैसे ही हैं। बेशक अचीवमेंट थोड़े कम हो, मुझे लगता कि अगर WWE बनाती है तो इसमें कोई भी गलती होगी। नाउ आल्सो वांट, नंबर वन पे है रोंडा रोज़ी, या फिर मैं कहें राउडी रोंडा रोज़ी। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता, स्पेशली अगर आपको जान के बिल्कुल एक शौक होगा ये राउडी रोंडा रोज़ी के बारे में, लेकिन अगर यहाँ पे जैसे WWE चला रही है वुमेंस का रेवोल्यूशन, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे राउडी रोंडा रोज़ी भी नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर हो सकती हैं वुमेंस के, उसमें मेंस के उसमें नहीं, क्योंकि स्पेशली मेंस में पहले ही यहाँ पे बॉबी लेसनर या फिर ब्रॉन स्ट्रोमन हो सकते हैं, लेकिन हम बात करें वुमेंस में तो यहाँ पे हो सकती है राउडी रोंडा रोज़ी। एंड कौन नहीं चाहता, स्पेशली वो भी MMA से आई हैं और जिस तरह उन्होंने WWE में डेब्यू किया है, तो कहने के हमें यहाँ शक हो रहा है, फिर हमें यहाँ पे एक तरीके से वो मिल रहा है कि उन्हें भी अच्छा वाला पुश मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे राउडी रोंडा रोज़ी बनती हैं, तो स्पेशली उनके फैंस के लिए, और स्पेशली एक बहुत अच्छी बात होगी वुमेंस के रेवोल्यूशन के लिए। तो सर ये थी वीडियो, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें कि आप इन तीनों सुपरस्टार्स में से कौन ब्रॉक लेसनर बनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।